मेक्स यू रिच। देखिए, हम में से हर पर्सन अमीर बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हो ना, तो आप सबसे पहले ईमानदार बनना सीखो। देखिए, आप हमेशा उस दुकानदार से सामान खरीदना पसंद करते हो ना जो ईमानदार है, जो आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करता, जो आपको सीधे सीधे बता देता है कि ये चीज मुझे इतने रुपए मिली और मैं आपको इतने रुपए बेचा। और अगर वो आपको ये भी बता दे कि देखो, ये चीज मैं होलसेल के रेट में वहां से इतने रुपए में खरीद कर लाता हूँ, आप चाहो तो भाव जाकर पूछ लो। और समझो आप सचमुच में जाकर भाव पूछा है कि उसने वो चीज वहां से 10 रुपए में खरीदी थी और वो आपको 12 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर 15 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप उसका विश्वास करोगे। सबसे बड़ी बात क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी हमेशा बिकती, हमेशा मूल्यवान रहती, हमेशा उसकी कद्रदान रहती। देखिए, हम कितने भी बेईमान हो ना, हम ऐसे दोस्त चाहते हैं ना जो हमारे साथ ईमानदार रहे। हम ऐसे सबॉर्डिनेट्स, ऐसे वर्कर चाहते हैं जो हमारे साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। हम भले दूसरों से कितनी चीटिंग करें, कितने फ्रॉड करें, कितने धोखेबाजी करें, लेकिन हम अपने साथ ऐसे दोस्त, अपने फैमिली पर्सन को ऐसा चाहते, कर्मचारी ऐसे चाहते हैं जो हमारे साथ ऑनेस्टली बिहेव करें। लेकिन गौर से देखो, हम क्या करते हैं? तो ऐसे कसम खा लो कि हम अपने कामों में ईमानदार रहेंगे। आप ईमानदारी से अपने सभी कामों को अंजाम दो। आप जो भी काम करते हो उसमें लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, और आप उनको बोल दो कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपने मुझे जो मूल्य चुकाया मैं वापस, जब आप ऐसा बोलोगे तो फिर लोग खुले दिल से आपको, आपकी सेवाओं के लिए, अपना मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप अपने सभी कामों में गुणवत्ता पैदा करो, क्वालिटी क्रिएट करो। आप जो भी काम करो बहुत ज्यादा रिसर्च करो, स्टडी करो, पढ़ो, जानकारी लो, उसकी डेप्थ में चले जाओ। आप जब आप किसी भी एक ही काम को लगातार गहराई से करते रहोगे तो क्या होगा, एक दिन उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे आप। और फिर ईमानदारी से जब आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो क्या होगा, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। और फिर जीवन में सिफा सफलता के आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ईमानदारी को अपनी नीति बनाओ, प्रायोगिक तौर पर इसको जिंदगी में लो, प्रैक्टिकली लो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने सुना जरूर है लेकिन हमने कभी इसे फॉलो अप नहीं किया। करके देखो ना जरा। हमें तो जो भी लोग रिच दिखाई देते ना, हमें जरूर यही लगता है कि अरे बेईमान होगा, फ्रॉड होगा, 420 होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। किसी को कैसा भी रहने दो, आप ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाओ, इससे कई चीजें मिलती हैं। सबसे पहली बात तो सेटिस्फेक्शन की, हमने किसी को लौटा नहीं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। दूसरी बात, लोगों की आप जो सेवाएं करते हो अपना मूल्य लेकर उनसे, तो उसके आपको दुआएं और शुभकामनाएं भी देते हैं, उनकी दुआएं लगती हैं, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुंचती हैं। और जिंदगी में जो दोगे ना वही लौटेगा। अगर आप दूसरों के साथ ईमानदार हो, समझो किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, समझो किसी ने आपके साथ बेईमानी कर दी, आप जरा भी परवाह मत करो, ये आपकी जो ईमानदारी है बेकार नहीं जाएगी, कई कई गुना होकर वापस कहीं ना कहीं से लौटेगी। ऐसे तमाम लोग मिलेंगे आपको जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। तो ऐसे जीवन का आधार ईमानदारी को बनाओ, फिर आप देखो आपके जीवन में कैसी रफ्तार पैदा होती है। और लगातार प्रयास करते रहो, और प्रयास भी ईमानदारी से होना चाहिए, बेईमानी से नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया और चले ज्ञान बांटने, नहीं। अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करो, ज्यादा से ज्यादा खोज करो। जो पढ़ोगे वही गढ़ोगे, जैसा देखोगे वही बताओगे। तो अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो। जो पढ़ोगे, जो सुनोगे, जो देखोगे वही तो लोगों के साथ शेयर करोगे। आपके विचार आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं, आपके विचार आपकी पहचान बताते हैं। आपके कपड़े और आपकी शक्ल सूरत से नहीं प्रभावित होता आदमी, आपके काम से प्रभावित होता है, आपके विचारों से प्रभावित होता है। आप किसी पर्सन के कितना काम आ रहे हो ये चीज मूल्यवान है। आप कितने खूबसूरत हो ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है। आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है।
आप एक आम आदमी के कितना काम आ रहे हो ये ज्यादा मूल्यवान है। तो आपको ये तलाश करना है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसकी जरूरत एक आम आदमी को उसके जीवन में हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी तलाश एक आम आदमी कर रहा है। तो ऐसी चीजों की खोज करो ईमानदारी से, फिर देखो जिंदगी में कितना वजनदार वजूद आपको मिलता है, और आप छाने लगोगे और आप आगे आने लगोगे और आप आगे आओगे ही, आप जमाने पर छाओगे ही। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे प्यार से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।